बढ़िया है इस टाइम मेरे पास। हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम यार। मैंने अभी सुबह सुबह नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने यार ये टेस्ट चार्ज तो वो याद करना, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा है इंग्लिश का सिलेबस ज़्यादा है थोड़ा, तो इसलिए पहले से शुरू कर देते हैं। मैं रात को मैं से पढ़ा नहीं जाता, रात को मैं फ़ौरन सो गया और रात में पढ़ता मैं शाम उठ भी नहीं सकता। ब्रो यार हेलो, 8 बज रहे हैं और अभी ज़रा मैं ना जो अभी जा रहा हूँ लैपटॉप लेने दोस्त है। वो यार काम कर रहे हैं साथ साथ, अभी नहाना मैंने तो इसी वजह से मैं कपड़े ज़रा इसी कर लूँ। नहा तो लिया लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं मैं अभी भी मेरे मतलब के मैं आपको सिलेबस अगर बता देता हूँ, सिलेबस में 6 लेटर हैं और 2 एप्लीकेशन हैं और 2 चैप्टर हैं बुक 1 से और बुक 3 से 1 प्ले है और 3 पोइम्स हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब्स की जो एक्सरसाइज वो लेते हैं पेयर वर्ड से लेते हैं। सिर्फ अभी सुबह से ये लेटर याद कर रहा हूँ, बस लास्ट लेटर रह गया, उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे। आज बड़ा ज़्यादा सिलेबस मिला है यार। हेलो यार, अभी ना फिजान आ गया था, फिजान और तलाक घर आ गए थे तो उनके साथ बेलियाँ मारी हैं। मेरा मोबाइल चार्जर पर पड़ा था घंटा उनके साथ शोर मुगल गया। अभी मुझे करते मैं सब मुझे लग रहा है आज का टेस्ट बड़ा गंदा होना है, इसको चार्जिंग में लगा देते हैं मोबाइल को। चलो भाई 1 2 3 गो लेट्स गो। यार अभी ना सेट लगाया डायमंड पुशअप का एक, मैंने जवाब को कहा कि ना आज कॉलेज अकेडमी जल्दी आते हैं, अभी 4:05 हो रहे हैं, सर ना 4:20 पे टेस्ट शुरू कर देते हैं। इसको कहता हूँ हेलो यार तैयार हो जा, हो जा तैयार जल्दी आना। हमला ने मुझे कॉल की है, कहता है कि अकेडमी जाना कि नहीं, अकेडमी किस से मैंने सुना ये मुझसे ये पूछा है। मैंने उसको बताया भैया अकेडमी 4:20 पे लगती है और 4:20 पे अकेडमी लगेगी, उसके बाद आपने पहुँचना 4:20 पे। उसने मैंने पूछा भैया टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसने टेस्ट का सिलेबस बताया, वो तो एक कतार थी लंबी सी तो उसने आगे रिप्लाई नहीं किया। मेरे ख्याल से बस टेस्ट देख के उसकी तबीयत ख़राब होगी होनी, आई होप सो। इरफान भाई मोहतरत के साथ ये चांद आप देख सकते हैं, ये जो है शाबान का है शायद, आई थिंक सो। पढ़ने वाले भाई जो है ना बच्चे पढ़ रहे। मेरे पास ना गुड न्यूज़ 2 है। गुड न्यूज़ आपने एक तो मूवी भी देखी होगी, एक तो कंफर्म है, दूसरी का 50-50 है। जो पहली है ना उसमें ये है कि अगले मंथ ये रजब का महीना है, अगला नहीं शाबान का महीना है और अगला रमज़ान है, रमज़ान मुबारक महीना है, तो वो अगले मंथ की 10th को या 11th को शुरू हो रहा है, फर्स्ट रमज़ान है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका अजर दूंगा। और दूसरी जो खुशखबरी ये है कि 50-50 है कि इमरान खान कह रहे हैं कि रिहा हो गए हैं। भैया बताओ ज़रा आप यार, मैंने 2-3 जगह से पढ़ा भी है, मतलब कि ग्रुप में भी अभी आया हुआ है और मैंने वीडियोस भी देखी हैं, तो उसमें भी कह रहे हैं कि रिहाई होगी। मतलब एक मैंने जो पढ़ा कि रिहाई हो गई है, लेकिन रिहाई अगर हो जाती तो मीडिया पे तो आपको पता है आवाम ने दोबारा डाला चल के बाद रश डाल दिया, रश पाता है, रश में कहना चाहिए, अक्सर कह रहे हैं कि रिहाई हो जाएगी 1-2 दिन तक, तो अल्लाह करे ये दुआ कबूल हो जाए। आवाम उस बंदे के पीछे पागल है यार। ब्रो मुझे काम पड़ गया, काम मैं बता देता हूँ, ये नाना जी की ना कोई एक्सरे है वो मैं चेक कराने जा रहा हूँ, डॉक्टर से चेक करानी है बस। यार मैंने भी एक्सरे चेक करा दी हैं और वेट तो कराया उसने जो वहाँ बैठा होता है मतलब काउंटर पे, उसने वेट कराया मुझे लेकिन कोई नहीं, चलो एक दो पेशेंट ज़्यादा वेट नहीं कराया। जब मैंने डॉक्टर को देखा ना तो मैं समझा कि वैसे खाँची होगा, मैं इस तरह समझा, लेकिन जब मैंने बात की ना भाई लेवल डॉक्टर से तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर।